नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आपको ले लेके आए हैं सीटेट 4 जनवरी का जो पेपर वन है उसकी कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, सवाल जो पूछे गए वो कैसे पूछे गए, पेपर का लेवल क्या था, तो एग्जामिनेशन सेंटर जाके बच्चों से पूछा, कुछ बच्चों ने व्हाट्सअप किए, व्हाट्सअप के बाद जो जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, जिस भी फॉर्म में मिले, जो भी उन्होंने बोला वो मैंने आपको टाइप करके यहाँ पे बताया। इसका डिटेल सोल्यूशन हम आपको बाद में रात में बताएंगे, लेकिन आप देखिए जो सवाल आपसे पूछे गए वो देखिए कैसे पूछे गए। तो पहले सवाल, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं पहले सवाल के तरफ। देखिए, बच्चे ने बताया कि ओवरऑल जो पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कर सकते, इजी भी था। कुछ सेक्शन बहुत ज्यादा इजी थे, कुछ सेक्शन मॉडरेट थे। देखिए, सीडीपी में आपसे पूछा गया, सीडीपी में वेगोत्स्की जीन पियाजे से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ रहे हैं। देखिए, आपसे मैं बता दूं, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ रहे हैं। बच्चों ने बताया है कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। और राष्ट्र के ऊपर एक हिंदी में पैसेज आया था जिससे 9 सवाल बने थे। 9 सवाल जो पूछे गए थे उस पूरे पैसेज पे आपसे सवाल पूछे गए थे, 9 सवाल। इंग्लिश भी बहुत आसान आई थी, पेपर वॉज नॉट टफ, पेपर आसान नहीं था, एक बच्चे ने बताया। तो सवाल, एक बच्चे ने बताया कि कौन सा पक्षी लटकता हुआ घोंसला बनाता है। भाई, हमने आपको कितनी बार बताया कि जो हमारी बीवर बर्ड है वो लटकता हुआ घोंसला बनाती है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनके जो नर होते हैं वो कई सारे सुंदर घोंसले बनाते हैं। फिर मादा जो बया होती है, मादा बीवर बर्ड होती है, वो आके जब सबसे खूबसूरत घोंसला होता है उसको चुनती है। और इसमें क्या कहते हैं, इनके जो परभक्षी होते हैं इनमें इनके बच्चों को क्या मिलता है, इनके बच्चों को सेफ्टी मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से ये घोंसले बनाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन था वीवर बर्ड, इंडियन रॉबिन, उन तमाम ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, इसको हिंदी में बया बोलते हैं, गौरैया की तरह पक्षियों की प्रजाति है, मनुष्य के घरों में न रहकर पेड़ की टहनियों में लटकता हुआ सुंदर घोंसला बनाती है, सुंदर घोंसला होता है। यह समूह में रहना पसंद करती है क्योंकि इसकी वजह से इसके बच्चों की परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान होती है। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि जो कोंझीकोड डिस्ट्रिक्ट है, कोंझीकोड एक जगह है भारत में, वो कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो कई सारे राज्यों के ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो सही ऑप्शन था वो कोंझीकोड क्या था, केरला राज्य में एक जिला है। पहले ये कालीकट डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब ये जो जिला है ये खुद एक अपना डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोड। और यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है IIM कोझिकोड, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। देखिए, केरला से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कल उन्होंने बल्लम नाम पूछा, बच्चे वहां से स्कूल जाते हैं। केरल में नारियल के पानी में टेपीकोवा को उबाल के पिया जाता है, ये पूछा। केरल का समीपवर्ती राज्य पूछ लिया। केरल हमारा कौन से अरेबियन सी के पास है, ये पूछ लिया। अब देखिए, आज ये पूछ लिया केरल से ही कि केरल के कोझिकोड जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है, राज्य पूछ लिया। और देखिए, लगातार बैक टू बैक एक सवाल और केरला में पूछ लिया कि केरला में माँ की जो बड़ी बहन है उसको क्या कहते हैं। भाई, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोलते हैं, माँ की बड़ी बहन को हमारे यहाँ मौसी बोला जाता है, तो माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोलते हैं। और माँ की माँ जिसको हम लोग नानी बोलते हैं उसको वहां पे अम्मूमा बोलते हैं। तो भाई, वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं, यही ऑप्शन था। और कई सारे बच्चे गलत करके आए हैं, तो वलियम्मा हमारा सही आंसर होगा। देखिए, अगला सवाल, और वहां नानी को अम्मूमा बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अम्मूमा ये सही ऑप्शन होगा। सवाल एनसीईआरटी बेस पूछे जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी से सवाल आया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी को इग्नोर करके मत जाइएगा। अगला सवाल जो आपसे पूछा था कि मिट्टी के बर्तन को कैसे बनाया जाता है, भाई पकाया जाता है, जलाया जाता है, ढलाया जाता है, क्या किया जाता है। तो देखिए, पकाना जो एक स्टेप है, पहले उसको मिट्टी को एक शेप देते हैं, शेप देने के बाद उसको प्रॉपर एक काफी प्रिकॉशंस के साथ उसको पकाते हैं, तो ये ऑप्शन सवाल सही होगा। देखिए, सवाल जो पूछे गए, देखिए पेडागोजी से ईवीएस में ज्यादा प्रश्न पूछे गए। ठीक है, पेडागोजी से ईवीएस में ज्यादा सवाल पूछे गए। एनईपी 2020 में पूछा गया था कि कौन सी चीज पे उन्होंने फोकस दिया, ईवीएस जो में जो सवाल पूछे गए। ठीक है, हिंदी में जो पैसेज आया 9 प्रश्न आए, एक पोयम आई थी, कविता आई थी जिसका शीर्षक था मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब प्रत्यय पूछा गया, उसमें विलोम पूछे गए, उपसर्ग पूछे गए, तो
चार प्रश्न हमारे जो हिंदी में व्याकरण से पूछे गए, पर्यायवाची पूछा गया, एक संधि विच्छेद आया था कि सांस्कृतिक में क्या कहते हैं हमारा जो संधि विच्छेद है संस्कृति में, समधन संस्कृति, ये संधि विच्छेद पूछा गया। और पूछा गया कविता में पूछा गया कि कवि क्या कह रहा है, मुहावरे पूछे गए, बहुभाषिकता के बारे में पूछा गया, संप्रेषण क्या होता है इसके बारे में पूछा गया, नॉम चॉम्स्की के भाषा अधिगम सिद्धांत, भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है, रोशनी शब्द का विलोम पूछा गया, रोशनी शब्द का विलोम जो है अंधकार होता है, ठीक है। और चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज है जो जीन पियाजे की चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, उस पर सवाल पूछा गया, ठीक है। व्योगास्की की जो हमारी एज पे सवाल पूछा गया, कोहलबर्ग में भी देखिए उन्होंने सवाल पूछा कि कौन कौन सी एज होती है, तो भाई जो हमारे कोहलबर्ग ने जो हमारी मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने तीन स्तर के बारे में बताया था, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत रूढ़िगत स्तर और पश्च परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। देखिए प्री कन्वेंशनल में उन्होंने बताया कि 4 से 10 वर्ष में बच्चा होता है, 10 से 13 वर्ष में उन्होंने बताया कि कन्वेंशनल होता है, और 13 से जो प्रौढ़ावस्था में होता है तो वो जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है, ठीक है। तो अगला सवाल जो यहाँ पे पूछा गया कि जो डेवलपमेंट का असर, जो विकास होता है बच्चों में उस पर किस चीज का असर पड़ता है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए थे, हेरिडिटी इनवेंटिव एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, पर्यावरण का बहुत फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर, और अनुवांशिकता का भी फर्क पड़ता है। तो हमने आपसे बताया था डी इक्वल टू एच इन टू ई ही, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, जो विकास है डेवलपमेंट उसके ऊपर हेरिडिटी, अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट, पर्यावरण का बहुत फर्क पड़ता है। भाई एनईपी 2020 किस चीज का बढ़ावा देती है, ऑप्शंस बच्चे ने नहीं बताए, अदरवाइज हम आपको बता देते। बाकी एनईपी के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो आप देख लीजिएगा। सीडीपी से ज्यादा प्रश्न पूछे गए, सीडीपी से ज्यादा प्रश्न जीन पियाजे के बारे में हिंदी में पूछे गए, ये देखिए सवाल, देखिए हिंदी में आपसे जीन पियाजे जी के बारे में पूछ रहे हैं। खेजड़ी से प्रश्न आया था, रिपीटेड सवाल था, खेजड़ी या जो समी का वृक्ष है थार के मनुस्थल या अन्य स्थलों में पाया जाता है, राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों का जो रिस्पांस था, देखिए एनसीईआरटी से पढ़ाए हुए सवाल आ रहे हैं। देखिए सवाल पूछा गया कि जो बोरा राइस होता है वो कहाँ पाया जाता है, बोरा राइस, देखिए बोरा जो चावल होता है असम के जैविक धान के खेतों से प्राप्त चिपचिपा चावल की एक किस्म है। जो बोरा चावल होता है असम के जैविक धान के खेतों से प्राप्त चिपचिपा चावल की एक किस्म है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, यह बहुत स्वस्थ है, इसमें डाइटरी ग्लूटेन नहीं होता। तो ये देखिए बोरा चावल की एक खास विशेषता है, असम में पाया जाता है। ये सवाल पूछा, कलचड़ी एक प्रकार की पक्षी है, उससे एक प्रश्न आया था, पंचों में भ्रांतियां किस वजह से होती है, ये सवाल आया। बच्चों की सीखने की क्षमता पे सवाल एक आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो सवाल आए वो आपको हम सीधे बता रहे हैं, जो बच्चों ने हमको अपनी मेमोरी बेस्ड सवाल जो बताए। आंतरिक प्रेरणा पे एक सवाल आया, भाई आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, बच्चों के उन्हें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, उसमें ये पूछा था कि जो बच्चों की संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया उसमें 2 से 6 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है। अरे भाई 2 से 7 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे साहब ने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कई जगह 2 से 6 लिखा है, कई जगह 2 से 7 लिखा है, तो आप लोग क्या बताएंगे 2 से 7। हार्वर्ड गार्डनर के किस बुद्धि सिद्धांत की वजह से वह दूसरे के बारे में जानता है, इंटरपर्सनल, अगर वह पूछता है अपने बारे में वह कैसे ज्यादा से ज्यादा जानता है तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वहां पे ये पता चलता है। हार्वर्ड गार्डनर पे आज 2 सवाल पूछे गए। बाल केंद्रित शिक्षा पे सवाल पूछा गया, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जो सवाल पूछा गया और वो एक पूरा स्टेटमेंट बना के पूछा गया, ठीक है। तो ये मैं आपको लगभग हर शिफ्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन पे एक सवाल आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला सवाल उन्होंने पूछा स्थूल कौशल का उदाहरण है, देखिए स्थूल कौशल के उदाहरण के बारे में सवाल पूछा कि स्थूल कौशल का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दे दिए थे। जो स्थूल क्रियात्मक कौशल वे कौशल है जिसमें शरीर की बड़ी पेशियां जैसे कंधे, बाजू और टांगों की पेशियों के इस्तेमाल और समन्वय की जरूरत होती है, बड़ी पेशियों की जरूरत होती है, बैठना, खड़ा होना, चलना, भागना स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उदाहरण है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल सीडीपी में आपके एग्जाम में आया था। देखिए अगला सवाल जो पूछा गया, अगला सवाल पूछा गया फैमिली एंड फ्रेंड की जो सब थीम है उससे सवाल पूछा गया। देखिए फैमिली एंड फ्रेंड हमारी मेन थीम है, उसकी सब थीम से सवाल पूछे गए। तो फैमिली एंड फ्रेंड में रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट्स, ये हमारी सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड मेन थीम के। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? नर हाथी होती है, सीनियर नर हाथी होती है, जूनियर नर हाथी होता है, सीनियर नर मादा होती है और जूनियर नर मादा होती है। भाई हाथियों की झुंड की जो मुखिया होती है, हाथियों की माँ होती है जो सबसे ज्यादा सीनियर होती है और उन्हीं के डायरेक्शन पे चलते हैं। बीवर बर्ड और इंडियन रॉबिन पे सवाल आया था कि भाई पौधों पे लटकता हुआ घोंसला प्लांट्स पे कौन बनाते हैं, तो ये होता है। देखिए पूछा गया था कि पौधे का वह भाग जिसमें दांत के उपचार के लिए यूज होता है, तो भाई लौंग का तेल यूज होता है, तो लौंग से रिलेटेड जो ऑप्शन था वो आपका सही ऑप्शन था, दांत के उपचार के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था, गेहूं के आटे की चपाती बनाने का सही क्रम क्या है? ठीक है, ये मैंने आपको अपने तरफ से ऐड किया कि पूछा गया था गेहूं के आटे की चपाती बनाने का सही क्रम क्या है। तो भाई पहला क्रम होता है गोल चपातियां बनाने के लिए एक बेलन का उपयोग करके छोटी गोलियों को गोल बनाएं, गेहूं के आटे में नमक डालें और मिलाएं। ठीक है, और तो मतलब क्या क्या था, गुनगुना पानी मिलाएं, आटा तैयार करके मिश्रण मिलाएं, 20 मिनट के लिए आटे को ढकें, आटे को छोटी गेंदों में विभाजित बने, ठीक है, और चपाती को गर्म तवा पर पकाएं। भाई पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक रा आटा लेंगे, गेहूं के आटे में नमक डालेंगे और मिलाएंगे, फिर गुनगुना पानी मिलाएंगे, आटा तैयार करके मिश्रण को हिलाएंगे, गूथेंगे, फिर 20 मिनट के लिए आटे को ढक देंगे, ये काम करेंगे, फिर आटे को छोटी गेंदों में विभाजित करेंगे, ठीक है, फिर गोल चपाती बनाने के लिए उसको उसकी बिलाई करेंगे, फिर चपाती को गर्म करके बनाएंगे। तो ये जो हमारा देखिए सवाल पूछा गया था कि भाई आप चपाती को बनाने का जो सही क्रम है, तो उसमें कई सारे स्टेटमेंट दिए गए थे 1 2 3 4 5 करके, और इस तरह से पूछा गया था। तो सही क्रम ये है कि भाई पहले आटे में नमक डालेंगे, गुनगुना पानी मिलाएंगे, आटे को ढकेंगे, छोटी बॉल्स में बनाएंगे, फिर तवे बेलन की सहायता से उनको गोल बनाएंगे और गर्म गर्म पका के उसको बना लेंगे। ठीक है, देखिए सवाल जो पूछ रहा है सीबीएसई प्रैक्टिकल अप्रोच पे पूछ रहा है। भाई ऐसा मत समझिएगा कि जो सवाल पूछ रहा है वो वैसे पूछ रहा है एकदम नॉर्मल तरीके से। तो देखिए अगला सवाल जो उन्होंने पूछा कि प्राथमिक स्तर पे जो ईवीएस सीखने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। देखिए सवाल स्टेटमेंट ऑप्शन होंगे तो हम आपको जरूर आंसर बताएंगे। बच्चों से हम बात कर रहे हैं, बोरा चावल कहाँ पाया जाता है? आसाम में पाया जाता है। बच्चे कौन सी भाषा समझते हैं, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, इस तरह से पूछते हैं। तो ऑप्शन जिस तरीके से आपको हम शाम को इसका डिटेल बताएंगे। रेल टिकट आदमी का कौन सा विवरण देता है? भाई यात्रा का विवरण देता है, कोच नंबर देता है, ट्रेन नंबर देता है, ट्रेन की टाइमिंग देता है, उसका नाम देता है, एज देता है, इतनी चीजों का विवरण देता है, बाकी आप लोगों ने एड्रेस नहीं बताता है, ध्यान रखिएगा। वजन से संबंधित सवाल आया था, भाई वजन से मतलब 10 किलो क्या कहते हैं हम, 1 किलो लड्डू लेके आए, 2.8 किलो हम रसगुल्ला लेके आए, इतनी काजू की बर्फी लेके आए, और तो हलवाई की दुकान से हम कितने केजी मीठा लेके आए या कितने किलो इस तरह से लेके आए, कुछ इस तरह से सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, 12 एग को 9 ट्रे में रखते हैं और उसके बाद 10 ट्रे में हम कुछ अंडे और रखते हैं, इतने अंडे बच जाते हैं, तो अंडे से रिलेटेड एक सवाल आया था। ट्रेन और समय में एक प्रश्न आया था कि भाई ट्रेन इतने बजे स्टेशन से छूटती है और इतने बजे से स्टेशन में पहुंच जाती है, अब बताइए कि ट्रेन की यात्रा में लिया गया कुल समय कितना था, दूरी ये दी थी, कि ट्रेन की औसत चाल भी पूछी थी। इस तरह से आपको सवाल पूछे गए थे, बहुत आसान सवाल आए थे। अब देखिए एक सवाल आया था, क्या आया था कि भाई 9 बजे जो तापमान है, जो 9 बजे तापमान है, सुबह 9 बजे 30 डिग्री सेल्सियस था, प्रति घंटे 0.5 डिग्री कम हो रहा है, 10 घंटे बाद तापमान क्या होगा? भाई देखिए 1 घंटे में 0.5 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। तो पहले 9 बजे तापमान 30 डिग्री था, 10 घंटे बाद 7 बजे जो तापमान होगा वो कितना, 5 डिग्री कम हो जाएगा और 25 डिग्री, इस तरह से आंसर होगा। मतलब मैं डिजिट चेंज हो सकती है बट आपका जो सवाल था वो इसी तरीके से लगेगा।
रीजनिंग से एक सीरीज आई थी कि भाई 2, 4, 6 इस तरह से एक दिया था, उसके बाद उसमें मिसिंग टर्म्स पूछा गया था। वेन हिले के ज्यामिति सिद्धांत पे 2 सवाल आए हुए थे, ठीक है। एक माँ जो है अपने बच्चे को बोलती है कि भाई जाइए पड़ोसी के घर में, देखिए पड़ोसी के घर में जाइए, आप क्या कहते हैं वहां से ये चीजें गिनती करके लाइए और गिनती करके ले आके आप मुझे बताइए। तो बच्चे जो माँ है वो बच्चे को क्या सिखा रही है, डाटा हैंडलिंग के बारे में सिखा रही है, ठीक है। एक सवाल आया था कि टीचर एक्ट एज ए फैसिलिएटर, तो कौन सा मेथड यूज हो रहा है, अगर फैसिलिएटर पूछ रहा है तो इंडक्टिव मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, इंडक्टिव मेथड। नंबर यूज, भाई कौन कौन से नंबर कहां यूज हो सकते हैं, इस पे एक सवाल आया था। सीसी पे एक सवाल आया था, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवलुएशन, सतत मूल्यांकन जिसको हम लोग बोलते हैं, सतत मूल्यांकन, सीसी पे एक सवाल आया था। वाज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटी 2009 में ये सीसी के बारे में बताया गया था और सीसी पे देखिए डायरेक्ट सवाल पूछ लिया आरटी 2009 पे, ठीक है। बच्चों का सतत मूल्यांकन गणित में आपको जरूर करना है, ठीक है, तो ये सवाल यहां से पूछ लिया गया, ठीक है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, चलते हैं क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड पे सवाल आ गए, जो कि बहुत आसान सवाल थे, क्लोज और ओपन पे। एक लड़की एटीएम जाती है, 2000 के 10 नोट लाती है, ठीक है, 2000 के 10 नोट लाती है, फिर कुछ नोट वो किसी को दे देती है और 100 के कुछ नोट वो किसी को दे देती है, 200 के कुछ नोट किसी को दे देती है, पूछती है कि भाई कितने उसके पास पैसे बचे, तो आंसर इसका कुछ बच्चे बता रहे थे सर 15,000 आंसर इसका आएगा, ठीक है। मिठाई के डिब्बे में एक मिठाई पैक करनी है, कुछ कुछ मिठाइयां दी गई थी, एक मिठाई के डिब्बे में इतनी ही पीस मिठाई आ सकती थी, कितने डिब्बे लगेंगे, ये सवाल पूछा गया था। एक वर्ग के चारों कोनों से काटना है, कितने कोने बचेंगे, तो देखिए जैसे ये क्या कहते हैं एक वर्ग है, पहले इसके पास 4 कोने हैं, ठीक है, ये देखिए 4 कोने, चारों कोने काट लिए गए, तो अब कितने कोने बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से 12 कोने, मतलब अब 12 कोने हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से 12, 14, 16 सवाल में आंसर दिया था। 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन दी गई है, उनके भुजा से एक सेगमेंट बनाना है, तो क्या बनाएंगे, 3 भुजाओं से भाई त्रिभुज बनेगा, 3 से ज्यादा भुजाएं हैं तो उनसे क्या बनाएंगे आप, बहुभुज बनाएंगे, पॉलीगन बनाएंगे, पॉलीगन, ठीक है। सवाल पूछा गया मैथ को इनोवेटिव तरीके से कैसे पढ़ाएंगे, मैथ को इनोवेटिव तरीके से कैसे पढ़ाएंगे, भाई ठीक है मैथ को इनोवेटिव तरीके से कैसे पढ़ाएंगे, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, आप उसको देख के कर सकते हैं। एक माँ के माँ एक बच्चे को बोलती है कि भाई जाओ अपने फ्रेंड मोहन को 1/3 टॉफी दे के आओ, 1/4 टॉफी दे के आओ, और उसके पास क्या कहते हैं इतनी टॉफी बची, तो आप बताइए कि उसके पास कितनी टॉफी बची, कुछ टॉफी देके बोलती है। तो इस तरह के सवाल जो हम कई सारे सवाल आपको कराए थे, इसका डिटेल जो क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे। एक संख्या के 2/3 में कितना जोड़ा जाए, ठीक है, 2/3 में कितना जोड़ा जाए, ठीक है, कि संख्या 11 बन जाए, ठीक है, एक संख्या है उसके 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि संख्या 11 बन जाए, कुछ इस तरीके से एक सवाल मैथमेटिक्स में आया हुआ था। तो देखिए इस तरह से जो हमारे सारे के सारे सवाल जो बच्चों ने बताए, बच्चों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, बच्चे बस जल्दी से अपनी मेमोरी पे बेस ये सवाल पूछ के आते हैं और आपको हम ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बताते हैं कि जो आने वाले शिफ्ट के लोग हैं वो तैयारी करके कैसे जाएंगे। इसका पूरा एक डिटेल वीडियो हम आपको शाम को बताएंगे और कैसे इसका सलूशन आया उसके बारे में बताएंगे, एक और आने वाले शिफ्ट में कैसे सवाल आएंगे वो भी बताएंगे। तो थैंक यू, हम आपको इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और हम लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपको ऐसे यूजफुल वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को पूरे सलूशन के साथ। मेहनत करिए, परिश्रम करिए और ऑल द बेस्ट।